अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फिर आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह ने हज की फजीलत को बयान किया, हज का हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि अलन नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने फरमाया लोगों पर जरूरी है जो साहिब इस्तताअत हैं, इस बात की ताकत रखने वाले हैं माली तौर पर जानी तौर पर। फरमाया साहिब इस्तताअत लोगों के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के घर का हज करके आ जाएं, काबे का तवाफ करके आ जाएं, हज की सादत हासिल करके आ जाएं। फरमाया हज जो करेगा उसे फजीलत क्या मिलेगी। कमली वाले आका ने फरमाया ए मेरे गुलामों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे गुलामों सुन लो, हज करने वालों की फजीलत ये है जो अल्लाह की रजा के लिए एक बार हज कर ले। करीम आका ने फरमाया लोगों हज करने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही उसकी मां ने उसे जन्म दिया है। मतलब ये है जिस तरह कोई बंदा दुनिया में आए पैदा हो तो मुझे आप बताएं क्या दुनिया में आने वाला बच्चा कोई गुनाह लेकर आएगा? नहीं, बल्कि वो गुनाहों से बिल्कुल पाक पैदा होगा। फरमाया इसी तरह अल्लाह की रजा की खातिर हज करने वालों को भी अल्लाह गुनाहों से इसी तरह पाक फरमा देता है जिस तरह पहली बार दुनिया में आने वाला पहले दिन का बच्चा गुनाहों से पाक होता है। और करीम आका ने फरमाया जब काबे पर पहली नजर पड़ती है, जब काबे पर मुसलमान की पहली नजर पड़ती है उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। पहली नजर काबे पर पड़ती है तो फरमाया उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। ये है हज करने वाले की शान फजीलत। और हज करने वाला फरमाया जब वो हजरे अस्वद को जाकर चूमता है, ये हजरे अस्वद भी कयामत वाले दिन उसकी शफात करेगा। नहीं समझ आई आपको? गौर करें जरा, कौन शफात करेगा जी? हजरे अस्वद है क्या? वो सारे बोले, सारे बोले ना, क्या है? पत्थर है, पत्थर। लोग कहते हैं अल्लाह वाले क्या कर सकते हैं, नबी क्या कर सकता है? भाई जिस पत्थर की निस्बत अल्लाह वालों से हो गई वो पत्थर शफात करेगा, वो बख्शिश करवाएगा। अगर पत्थर इतनी शान वाला है तो जिन अल्लाह वालों की निस्बत की वजह से उसे ये फजीलत मिली है उन अल्लाह के प्यारों की शान और अजमत का क्या आलम हो। ये है अकीदा मुसलमान का, हजरे अस्वद बख्शिश करवाएगा, शफात का जरिया बनेगा। और इसलिए फरमाया कि जब ये जन्नत से आया था तो सफेद था, अब काला हो गया। वजह क्या है? वजह ये है कि पहले जब आया था ना तो सफेद था, तमाम मुसलमानों के गुनाहों को चूस चूस कर अब काला हो गया है। क्योंकि जब मुसलमान उस हजरे अस्वद को चूमते हैं तो वो सारे उनके गुनाहों को खींच लेता है हजरे अस्वद, तो इस वजह से काला हो रहा है, काला होता गया और अब काला हो गया। तो किसी ने कहा था इस हजरे अस्वद से
ये हजरे असवद तेरा रंग भी काला है फिर भी दुनिया तुझे चूमती है, वजह क्या है? तो हजरे असवद का जवाब सुने तड़प जाएंगे। हजरे असवद कोलों किसे सवाल कीता, तेरा रंग एडा काला है तेरे अंदर केड़ी खूबी है, हो तेनू हर कोई चुमन वाला है। ते हजरे असवद मुड़ के जवाब दिता, बेशक रंग मेरा काला है मैनू सारी दुनिया इस वास्ते चुम दिए, मैनू चुम गया कमली वाला है। इसीलिए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला नो आप जब हजरे असवद की जानेब हजरे असवद की जानेब खड़े हुए, हजरे असवद के सामने खड़े हुए तो आपने हजरे असवद को मुखातिब करके फरमाया था, ए हजरे असवद सुन ले, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आया है या सारी दुनिया तुझे चूमती है या तू बख्शिश करवाएगा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, ए हजरे असवद मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे कमली वाले आका ने तुझे चूमा है, मैनू सारी दुनिया चुम दिए, मैनू चुम गया कमली वाला। सुभान अल्लाह, ये है हज, और हज आपको अल्लाह वालों की अदा का नाम नजर आएगा। मीना पर जाते हैं, शैतान को कंकर मारते हैं, क्यों? हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, हजरत इस्माइल की सुन्नत है, उस जगह पर खड़े होकर जब शैतान ने बिरगलाने की कोशिश की थी तो जवाबन हजरत इब्राहिम ने भी पत्थर मारे थे, हजरत इस्माइल ने भी पत्थर मारे थे शैतान को। अल्लाह को अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह ने फरमाया अब हज हर हाजी के लिए जरूरी हो गया है, जो भी हाजी जाएगा उस मीना के मकाम पर जाकर कंकरियां मारेगा, कोई पूछेगा वजह क्या है तो जवाब आएगा अल्लाह को इब्राहिम और इस्माइल की अदा इतनी पसंद आई थी, अल्लाह ने हर हाजी के लिए जरूरी करार दे दिया ताकि मेरे इब्राहिम की अदा ता कयामत जारी हो सारी रह जाए। ये है हज का फलसफा। फिर आगे आइए, जब सफा और मरवा के चक्कर लगाए जाते हैं, क्यों? अल्लाह ने कोई एक पहाड़ी नहीं बनाई, एक पहाड़ नहीं बनाया, कोई सफा और मरवा सिर्फ अल्लाह ने नहीं बनाए, अल्लाह ने जितने भी दुनिया के पहाड़ हैं वो अल्लाह ने बनाए, हर चीज को बनाने वाला अल्लाह है। लेकिन फरमाया सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाने पड़ेंगे, वजह क्या है? यहां तक के अल्लाह ने इस सफा और मरवा को ये शान दे दी, फरमाया कि बाकी पहाड़ भी दुनिया के हैं, खूबसूरत से खूबसूरत बालाओ आला ऊंचे बुलंदो बाला पहाड़, लेकिन किसी को यह फजीलत नहीं हासिल जो सफा व मरवा को हासिल है। या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया इसकी निस्बत भी मेरी प्यारी बंदी अम्मा हाजरा से हो गई है, उसकी निस्बत की वजह से ये पहाड़ियां भी अब मुझे प्यारी लग रही हैं। अब अगर आप इजाजत दें तो फिर मैं अल्लाह का कुरान पढ़ा, बोले जरा सुभान अल्लाह। अब फिर कुरान की आयत खत्म होगी तो आपने ढीला नहीं बैठना बल्कि हाथ उठाकर सुभान अल्लाह भी कहना है ताकि पता लगे कुरान से मोहब्बत करने वाले नबी के गुलाम बैठे। तो तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह का कुरान सफा व मरवा की शान बयान कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नस सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह ने
ने फरमाया बेशक सफा पहाड़ी भी मरवा पहाड़ी भी, फरमाया ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। मैंने सवाल किया ए मेरे मौला, सारे पहाड़ तूने बनाए, सारी पहाड़ियां दुनिया की तूने बनाई, किसी और पहाड़ियों यह पहाड़ी को तूने अपनी निशानी करार नहीं दिया, लेकिन तूने इस सफा व मरवा को अपनी निशानियां क्यों करार दिया है? अल्लाह ने फरमाया ए लोगो सुन लो, इसकी कोई और वजह नहीं है, इसकी वजह ये है इसकी निस्बत मेरी प्यारी बंदी मेरी वलिया से हो गई है। अम्मा हाजरा पानी की तलाश में अपने बच्चे इस्माइल के लिए पानी तलाश करने के लिए निकली, सफा व मरवा के दरमियान आपने 7 चक्कर लगाए फिर पानी। उसके बाद जब वापस आई हजरत इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, आपकी एड़ियां जब जमीन पे लगी वहां से जमजम का चश्मा जारी हो गया। आपने जो 7 चक्कर सफा व मरवा के दरमियान लगाए थे, अल्लाह ने फरमाया मुझे अपनी बलिया की अदा इतनी पसंद आई है कि इसके कदम इन पहाड़ियों पे लग गए हैं, इसलिए मैंने सफा व मरवा को अपनी निशानियां बना लिया है। यह है हज का फलसफा। अच्छा, हम जाते हैं जनाब मक्का मदीना। हज कहाँ होता है? मक्के। सारे बोले कहाँ होता है जी? मक्के। लेकिन मदीने क्यों जाते हैं? मक्के चले जाएं मदीने ना भी जाएं तो हज तो हो गया, लेकिन हमारा अकीदा ये है जब तक मदीने ना जाओ हज हो तो जाएगा, लेकिन कबूल तब होगा जब मुस्तफा की बारगाह से सनद मिलेगी। जब तक मदीने नहीं जाओगे अल्लाह हज कबूल नहीं करेगा। आप कहेंगे जी आपने जोशे खिताबत में बात कर दी। नहीं नहीं, जोशे खिताबत अपनी जगह और कुरान हदीस पहले है, जोशे खिताबत बाद में है। जोशे खिताबत में मैंने नहीं कर दी, अल्लाह का कुरान इस बात का गवाह है। क्या है? अल्लाह का कुरान गवाह है। वलहु अन्नहुम ज़लमू अन्फुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने फरमाया जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो सबसे पहले मेरे नबी की बारगाह में आओ। जब तुम मेरे नबी की बारगाह में आओगे अगर मेरा नबी सिफारिश कर देगा तो फरमाया फिर अगर नबी ने तुम्हारी सिफारिश कर दी तो फरमाया लवाजादुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अगर मेरे महबूब ने तुम्हें माफ कर दिया तुम्हारी सिफारिश कर दी तो फरमाया फिर अल्लाह भी माफ फरमा देगा। तो पहले दरे रसूल पे जाना जरूरी, और अल्लाह ने मक्के की शान जो बयान की फरमाया अल्लाह उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, फरमाया सुन लो मुझे कसम है इस मक्का शहर की। या अल्लाह तूने मक्का शहर की कसम क्यों उठाई है? क्या यहाँ हजरे असवद मौजूद है इसलिए कसम उठाई? फरमाया ना। या अल्लाह क्या इसलिए कसम उठाई कि यहाँ काबातुल्ला है, काबा है तेरा घर मौजूद है? फरमाया नहीं नहीं, इस वजह से कसम नहीं उठाई। या अल्लाह क्या इसलिए कसम उठाई है कि यहाँ सफा व मरवा पहाड़ियाँ मौजूद हैं? क्या जमजम मौजूद है, जमजम का चश्मा मौजूद है? फरमाया नहीं नहीं, इस वजह से मैंने कसम नहीं उठाई। ए मेरे मौला फिर कसम क्यों उठाई? अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो मैंने कसम इसलिए उठाई है ला उकसिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैंने कसम इसलिए उठाई है कि इस मक्का शहर में
मेरे नबी के कदम लग गए हैं। इस मक्का शहर में मेरे नबी के कदम लग गए, ये फलसफा है हज का। लेकिन याद रखिए, एक है नफली हज, एक है फर्ज। फर्ज अदा हो गया तो उसके बाद अगर कोई जिंदगी में हज नहीं करता तो गुनहगार नहीं होगा। और बल्कि अगर हुकूकुल इबाद में मामला है कि वो ऐसे किसी गरीब आदमी को देखता है, किसी बेवा, किसी यतीम, किसी मिस्कीन को देखता है, खासतौर पर अपने रिश्तेदारों में, तो उसको चाहिए पहले उन गरीबों की मदद करे। अगर वो हज पे जाना चाहता है, नीयत ये थी कि हज करूंगा, नफली हज की बात कर रहा हूँ, जो फर्ज हज है वो तो माफ नहीं है ना किसी सूरत में, मैं नफली की बात कर रहा हूँ। नफली हज अगर नीयत है मैं नफली हज करूंगा, लेकिन किसी गरीब को देखता है, मिस्कीन को देखता है, यतीम को देखता है कि बड़ी परेशानी में है, और अगर वो पैसे जो उसने हज के लिए जमा किए थे वो पैसे उस गरीब को दे देता है, तो अल्लाह उसको गरीब की मदद करने का सवाब भी देगा, उसकी नीयत की वजह से अल्लाह हज का सवाब भी अता फरमा देगा।